ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की काफी लाडली हैं। बात चाहे जया बच्चन संग उनके रिश्ते की हो या फिर ससुर अमिताभ बच्चन के साथ मजबूत बॉन्डिंग की, ऐश्वर्या ने समय समय पर इस बात को साबित किया है कि वो एक आदर्श बहू है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ऐश्वर्या ने अपनी ननद के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रखे हैं। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि ऐश्वर्या की कुछ आदतें हैं जो श्वेता बच्चन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिनके कारण दोनों के रिश्तों में प्यार कम बल्कि दूरियां ज्यादा है। दरअसल ऐश्वर्या राय और श्वेता बच्चन नंदा के बिगड़ते रिश्तों ने तब सबसे ज्यादा तूल पकड़ा था जब श्वेता अपने भाई अभिषेक बच्चन के साथ करण जौहर के फेमस शो कॉफी विद करण में पहुंची थी। इस चैट शो में श्वेता ने ऐश्वर्या संग अपने रिश्तों पर खुलकर बातचीत करते हुए बताया था कि ऐश्वर्या की कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से कभी कभार उन्हें समझने में थोड़ी परेशानी होती है। अपनी बात को जारी रखते हुए श्वेता ने कहा था कि ऐश्वर्या की सबसे खराब आदत है कि उन्हें फोन मैसेज का जवाब देने की आदत नहीं है। वह कभी भी आपके फोन कॉल का जवाब नहीं देंगी। वह टाइम मैनेजमेंट बनाए रखने में बहुत बुरी है, जिसकी वजह से अक्सर सभी को देर होती है। हालांकि ऐश्वर्या राय बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा के बीच ये पहली बार नहीं है जब दोनों ऐसे उलझे हों और इनकी चीजें सामने आई हो। इससे पहले भी दोनों को कई खास मौकों पर एक दूसरे को इग्नोर करते हुए देखा गया है, जिसके बाद दोनों के झगड़े भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए हैं। खैर, ऐश्वर्या राय और श्वेता बच्चन के तनावपूर्ण रिश्ते की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ननद भाभी के खराब रिश्तों का असर परिवार के बाकी सदस्यों पर भी पड़ता है? जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा के खराब रिश्तों का अंदाज आप इस बात से ही लगा लीजिए कि बॉलीवुड गलियारों की शादी ब्याह में जहाँ अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्य के साथ जाते हैं, तो वहीं श्वेता अपने पिता अमिताभ और माँ जया बच्चन संग शामिल होती है, जिसका जीता जागता सबूत आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की शादी का है। दोनों ही अलग अलग अंदाज में इस इवेंट का हिस्सा बने थे। हालांकि हम इस बात को मानते हैं कि आज के समय में रिश्तों की परिभाषा पूरी तरीके से बदल गई है, लेकिन तनावपूर्ण रिश्तों में अक्सर परिवार के बाकी लोगों को सफर करना पड़ता है, जिसके कारण परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच भी दूरियां आ जाती है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।